हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द लोकल गाइड पे। आज हम आए हैं मुंबई, आमची मुंबई। आज मैं आपको लेकर चलूँगा मुंबई की तीन ऐसी जगह जो बहुत ही फेमस है, गिरगांव चौपाटी, हाजी अली और मरीन ड्राइव। ये जर्नी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं आपको लेकर जाऊँगा मुंबई लोकल में और हम जाएंगे बांद्रा वर्ली सीलिंग पे। हम खाएंगे गिरगांव की मशहूर पाव भाजी, वहाँ का मशहूर काला खट्टा और कुछ चटपटा भी, और हाँ, हाजी अली का हलवा पूरी कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जाने वाले हैं हाजी अली। हाजी अली जाने के लिए मैंने कुर्ला से कैब बुक करी और ड्राइवर हमें लेकर गया बांद्रा वर्ली सीलिंग से। वहाँ का व्यू कितना अमेजिंग था। मैं पहली बार बांद्रा वर्ली सीलिंग पे गया और मानना पड़ेगा उसे बहुत ही उम्दा बनाया गया है। हाजी अली तक जाने के लिए हमको सब्वे पार करना होता है क्योंकि हाजी अली रोड के दूसरी तरफ है। बट ये जो सब्वे है ये किसी आम सब्वे जैसा नहीं है, इसके अंदर तो इतनी सारी शॉप्स है कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ। सब्वे से निकलते ही पूरा नज़ारा ही बदल जाता है। एक तरफ नीला समंदर दिखाई देता है और किनारे से थोड़ी दूर बाबा हाजी अली शाह बुखारी जी की मज़ार। हाजी अली बनाया गया था सन 1431 में सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में, जिन्होंने हज पर जाने से पहले अपनी सारी दौलत दान कर दी थी। हाजी अली से पूरा मुंबई नजर आता है और क्या खूबसूरत दिखता है। हाजी अली में हर कौम के लोग अपनी मन्नत लेकर आते हैं। कोई यहाँ धागा बांधता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई चादर चढ़ाता है, सब अपनी आस्था लेकर यहाँ पे आते हैं और ये देखकर काफी अच्छा लगता है। हाजी अली जाना आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है क्योंकि अगर हाई टाइड होता है तो वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता। और कमाल की बात तो ये है कि हाई टाइड के समय भी ये मज़ार जनरली डूबती नहीं है, बस वह रास्ता डूब जाता है जहाँ से लोग जाते हैं। इन चिड़ियों को देखिए कितनी खूबसूरत हैं। ये सीगल है जो जनरली समंदर के बाजू में पाई जाती हैं। हाजी अली के रास्ते पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे खाने के लिए पान, हलवा पूड़ी, उसके बाद आपको इत्र मिलेगी, आप वहाँ पे चादर खरीद सकते हैं, फूल खरीद सकते हैं। पार्सल भाई हम लोग को नहीं।
हाजी अली से निकलकर मैं आ गया गिरगांव चौपाटी। ये बहुत ही पास है हाजी अली से, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। चौपाटी आए और पाव भाजी नहीं खाए तो क्या खाए, इसलिए मैंने ऑर्डर करी एक चीज़ पाव भाजी और एक प्लेन पाव भाजी। चौपाटी में मुझे सफाई देखकर बहुत ही खुशी हुई। हर जगह डस्टबिन थे, गीला कचरे के लिए अलग डस्टबिन, सूखा कचरा के लिए अलग डस्टबिन, और बीच भी कितना क्लीन था। अब चौपाटी में इतना खा ही लिया है तो जरा वॉक करने के लिए चला जाए कहीं अच्छी जगह पे। मरीन ड्राइव से अच्छी जगह क्या हो सकती है, अरे बाजू में ही तो है। चलिए मैं आपको मरीन ड्राइव पे वॉक कराता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये तो जस्ट एक ट्रेलर था, अभी मैं और भी जगह जाने वाला हूँ। मैंने प्लान किया कि हर महीने आई विल गो टू अ न्यू प्लेस एंड और मैं वहाँ पे जाकर ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा, आपको उस जगह का रिव्यू दूंगा। और तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स मोर टू कम। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। तो